काम अपने लिए कभी मत करना, अगर काम करना है तो हर उस आदमी को जवाब देने के लिए जिसने बोला तू नहीं कर सकता, जो बोलता है तेरे बस की बात नहीं है, जो बोलता है ये बच्चों का खेल नहीं है, साबित करके दिखाना कि बेटा आज तू बोल रहा है ना कि तेरे बस की बात नहीं है, कल ये दिखाऊंगा कि मेरे बस की बात थी और मैंने करके दिखा दिया। उन हर आदमी को मुंह से कभी जवाब नहीं देना, काम करके जवाब देना है। जवाब आपकी ओडी देगी, जवाब आपकी मर्सिडीज देगी, जवाब आपकी जैगुआर देगी। क्या ये जवाब देने के लिए तैयार है? जब जब लोग मना करें तब तक आपका विश्वास और मजबूत होना चाहिए। आपको ही लोग मना करते हैं क्या? देश के सबसे ताकतवर आदमी आपकी जेब में रखा हुआ 2000 का नोट कब कागज के टुकड़े में तब्दील कर दे? उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। जब वो आपके राजस्थान में आते हैं और जगह जगह जाते हैं ना, लोग उनको भी मना करते हैं, हम वोट नहीं देंगे। क्या गुस्सा करते हैं वो? एक स्टेट के लोगों ने नहीं दिया तो दूसरे में जाके प्रचार करते हैं, दूसरे ने नहीं दिया तो तीसरे में प्रचार करते हैं। लेकिन जब लगातार प्रचार करते हैं और इस राजनीति में जो सबसे ज्यादा प्रचार करता है उसी को सबसे ज्यादा वोट, नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो सबसे ज्यादा प्लान देगा उसको सबसे ज्यादा पैसा आएगा। क्या प्लान करने के लिए तैयार है? कुछ नहीं करना यार, आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो बोल क्या काश मैंने भी ज्वाइन कर लिया। नहीं आएगा तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा पता है क्या? आप जानते हैं एक होताराम आदमी आपके घर में, जानते हैं ऊपर वालों होताराम को जानते हो? आप सबके घरों में है, आपने सुना अपने दादाजी या पापा के मुंह से, बेटा ये जो एयरपोर्ट के बराबर वाली जमीन है ना, ये रेलवे स्टेशन के बराबर की जमीन, ये पहले 2000 रुपए बीघा में मिल रही थी और गांव के किसी आदमी ने मेरे से 10,000 रुपए उधार लिए और 5 बीघा जमीन ली, फिर मेरे को ब्याज के साथ वापिस उड़ लौटा दिए और आज ये जमीन 2,00,000 रुपए बीघा हो गई। सुना है? काश उस टाइम ये जमीन मैंने खरीद ली होती तो आज मैं भी करोड़पति। मेरे दोस्त ऐसे होता रहा मेरी जिंदगी में बहुत हैं, मेरे को हर दिन कोई ना कोई होता राम मिलता है और बोलता है सर काश मैंने उस टाइम बात मान ली होती तो मेरे पास भी कोई छोटी मोटी गाड़ी। तो मेरे दोस्त आपके दादा पापा घर वाले होता राम बन गए क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आप गलती से भी कुछ भी बनना, लेकिन होता राम मत बन जाना, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए आया हूं और मैं आपको ये समझाने के लिए आया हूं कि इस बिजनेस को जब मैं कर सकता हूं तो इस हॉल में बैठा हुआ एक एक आदमी कर सकता है। क्या करने के लिए तैयार है? आने वाले टाइम में आप लोगों के जोश, आपके एक्साइटमेंट इस हॉल के भरे हुए को देख के मैं कह सकता हूं कि AWPL पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना तहलका मचा रही है।